हर साल करीब एक तिहाई देश में सूखा तो औसतन 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़। यह संतुलन अगर खत्म हो जाए तो देश की अपार जल संपदा विनाश की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास की कहानी लिखेगी। यही वो सपना था जिसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का प्रण लिया है, जिसका आगाज महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से होने जा रहा है। एक अटल जी का सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का, केन बेतवा को जोड़ने का हमने बिड़ा उठाया है। नदियों को जोड़ने की प्रधानमंत्री की भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत देने का संवेदनशील विजन है। अगर केन बेतवा जोड़ दी गई और पानी जमीन में जाना शुरू हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में जब पानी बहुत नीचे गया है वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, हर कोने में किसान को उसका लाभ होगा। इसके तहत केन नदी के 2800 MCM से ज्यादा बाढ़ के पानी को दौधन बांध द्वारा संचय किया जाएगा। केन के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जानी है। इस क्षेत्र में विभिन्न टैंकों को, जलाशयों को लिंक परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। बुंदेलखंड की प्रगति और विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। मैं इस परियोजना के लिए, जो सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश के 9 जिलों पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन के साथ ही उत्तर प्रदेश के 4 जिले बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को सीधे तौर पर मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। मेरा दृढ़ विश्वास है यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके नजदीकी क्षेत्रों में भरपूर जल उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगी। बुंदेलखंड इलाके की तस्वीर बदलने वाली केन बेतवा परियोजना के पूरा होने पर दोनों राज्यों के 13 जिलों की 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। करीब 62 लाख लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही कुल 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी और पूरे इलाके में खुलेंगे संभावनाओं के नए द्वार।